कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर पीने वालों की मजबूरी को तो ये बस दिल समझता है। अरे भाइयों, इतना क्यों परेशान हो? आप बस एक बार गूगल कर लो, गूगल में बहुत सारे रेसिपीज हैं जिसके थ्रू आप ऐसा कुछ बना सकते हैं, वो भी अपने घर पे। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारे रेसिपीज भी अवेलेबल हैं। एक बार ट्राई करके अपनी इस इच्छा की पूर्ति आप कर सकते हैं। जो दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हर घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है। तुलसी के जो पत्ते होते हैं उसमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत पावर होती है, वो हमें बहुत सारी रोगों से लड़ने में भी मदद करते हैं। तो रोजाना तुलसी के पत्तों का सेवन करें। अदरक, लहसुन, दही, दालचीनी, तेजपत्ता, हल्दी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली हम अपने यूज़ में लेते हैं, जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप दूध पी रहे हैं तो दूध को हल्दी वाला दूध बना के पीजिए। चाय की जगह आप काली चाय बनाइए, उसमें काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, अदरक, दालचीनी, तेजपत्ता, ये सारी चीज़ें ऐड करके फिर उस चाय को बना के पीजिए। वो आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं पर हमारा ध्यान नहीं होता, बस उसको सलीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम एक्सरसाइज करना, अपने वेट को मेंटेन करना, अच्छी नींद लेना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अल्कोहल को अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, ये सारी अनहेल्दी चीज़ें हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती हैं, हमें अनहेल्दी बनाती हैं, सिक बनाती हैं। तो इसलिए अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो अपने थोड़े से डाइट में और अपने थोड़े रहन सहन या फिर जो खान पान था उसमें चेंज करने की